हेलो गाइस, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम मैंगो से मैंगो जेली बर्फी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान विधि से बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी पके हुए आम को काट कर ले लिया है। हमने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें ये कटे हुए आम डाल देते हैं। हमने कटे हुए आम मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच भर के कॉर्न स्टार्च डालते हैं और दो बड़ी चम्मच चीनी, थोड़ा इलायची पाउडर। तो चलिए गाइस, अब हम इसे मिक्सी में चला लेते हैं। हमने सारे मिश्रण को पीस के स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो चलिए गाइस, जेली बर्फी बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमने पैन में सारे मिश्रण को पलट लिया है। अब हम इसे धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। हम इसमें देसी घी डालेंगे। आंच धीमी ही रखें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखिए गाइस, घी डालने से ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा घी और डालेंगे। गाइस, इसमें हम थोड़ा घी और डालें। गाइस, अब ये जेली फॉर्म में आ गया है। देखिए गाइस, हमारा मिश्रण पैन छोड़ने लगा है। इसी बीच आप एक प्लेट पे घी लगा कर तैयार रखें। देखिए गाइस, ये अब जमने की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गाइस, हमने मिश्रण को निकाल के प्लेट में फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ बादाम डाल देंगे। इन बादामों को थोड़ा ऐसे दबा दें जिससे ये चिपक जाए। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। तो देखिए गाइस, हमारी जेली अब सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेते हैं। पीस आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, छोटे बड़े। देखिए गाइस, कितनी अच्छी जमी हमारी जेली बर्फी। देखिए गाइस, हमारी कितनी अच्छी जेली बर्फी बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।